बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूँ वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। तो कोणती मदत केली मले? आपल्याला मदत केली कोण? राहुल गांधी ने केली। बुधवार को गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जिस कलावती बंदुरकर को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे, अब उस कलावती ने गृहमंत्री के दावों की असलियत बयां की है। लेकिन सबसे पहले आप कलावती बंदुरकर को लेकर किए गए गृहमंत्री अमित शाह के दावे सुन लीजिए। एक गरीब माँ कलावती या ऐसा कुछ नाम, कलावती बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावित के घर पर भोजन कर पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहाँ वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूँ वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। तो गृहमंत्री ने जिस कलावती को बुंदेलखंड का बताया, असल में वो महाराष्ट्र के यवतमाल के रहने वाली हैं। राहुल गांधी ने कलावती से साल 2008 में मुलाकात की थी। गृहमंत्री ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी कलावती के घर भोजन करने गए थे और फिर इसके बाद उनका कोई हालचाल नहीं लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कलावती को सब कुछ मुहैया कराया। गृहमंत्री अमित शाह के इस दावे के बाद आज तक से जुड़े भास्कर मेहरे महाराष्ट्र के यवतमाल में रह रही कलावती के घर पहुंचे। उन्होंने कलावती से अमित शाह के दावे को लेकर सवाल किया तो वो बोली कि उन्हें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ही मदद मिली थी। कांग्रेस की उस मदद से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। सर्व खोटा आहे। आपल्याला मदत केली कोण? राहुल गांधीने केली। राहुल गांधीने मदत केली, आपल्याला जेवणाला लावलं तर पुढं तर टाटसर करून सन्याने मोदीने मदत केली म्हणून सन्याने मी म्हणणार आहो का? कशी म्हणणार आहो? त्याचं खोटं आहे, त्याचं खोटंच म्हणणार आहो मी। आपल्याला खरी सर्वी मदत केली राहुल गांधीनं, राहुल गांधीचीच मदत आता आपल्याला शेवटपर्यंत आपली हे करणार आहो, त्याचीच मी गावणार आहो। हं, त्याईनंच केली बा म्हणून। मोदीचं खोटं आहे, मला काहीच नाही आतापर्यंत त्याईनं मदत केली तर ते करते केली म्हणून म्हणण्याले अर्थ काय? म्हणाले काही म्हणते का मी मदत केली? तो कोणती मदत केली मले का? म घरकुल आलं म्हणते, घरकुल दिलं, हे दिलं, ती दिलं, तर मला ते 2008 पासूनच मंजूर झालं होतं घरकुल। तर मला राहुल गांधीचीच मदत आहे, काँग्रेसचीच आहे ना, काँग्रेसच्याच मदतीनं मी सर्वे दिवस हे करत आहो। इस दौरान कलावती के बेटे प्रीतम बंदुरकर ने बताया कि हमारी हालत बहुत खराब थी, लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हमारे यहाँ आने के बाद हमारी स्थिति पूरी तरह से बदल गई। नहीं, ये बात सच नहीं है। जो कुछ मिला वो राहुल गांधी की मदद से ही मिला। राहुल गांधी जी आने से पहले हमारे घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। हमारे पापा गुजर जाने के बाद घर का पूरा टेंशन मम्मी की तरफ आ गया था। मेरी 7 बहनें और हम 2 भाई थे, तो हमारा घर जैसे तैसे चल रहा था। मतलब मम्मी खेत में जाती थी, बहनें खेत में जाती थी, तो फिर घर की परिस्थिति अच्छी नहीं थी। फिर राहुल गांधी महाराष्ट्र दर्शन पे आए तो उन्होंने मतलब किसानों की हालत देखने के लिए वो महाराष्ट्र में घूम रहे थे, तो फिर वो अचानक हमारे घर पे आए। उनके आने के बाद उन्होंने हमको मतलब पैसों की मदद की, आने के बाद मुलाकात की, फिर उनके जाने के बाद पाठक साहब करके उन्होंने हमको 30 लाख की FD दी, फिर घरकुल मंजूर किया, फिर लाइट दी, पानी दिया, कंट्रोल दिया, ये सारी चीजें हमको राहुल गांधी जी ने। कलावती ने गृहमंत्री अमित शाह के लोकसभा में किए गए दावे को सिरे से नकार दिया है। वहीं गृहमंत्री के दावे के बाद कांग्रेस ने भी कलावती से जुड़े बयान के कई वीडियोस को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे सहयोगी अभय। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।